फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे कुर्ती के बैक साइड में जो प्लेटें डालते हैं वो कैसे मेजरमेंट के साथ वो कैसे डालना है और कितना लेना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या हो जाता है, जैसे कभी कभी तो हम कुर्ती तो सिलते हैं लेकिन बैक साइड की जो प्लेटें होती है वो नहीं डालते, तो इससे क्या हो जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, जब भी हम ये बैक साइड में प्लेटें डालते हैं तो ये क्यों डालते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लेट डालने से क्या हो जाता है, हमारी फिटिंग जो है वो अच्छी आ जाती है। जो बैक साइड में जैसे जो बैक साइड का जो पार्ट होता है तो ये जो होता है चीज़ की कमर की फिटिंग जो होती है वो बहुत ही ख़राब दिखती है जैसे बैक साइड में प्लेटें नहीं डालने के कारण। तो आपको क्या करना है, ये बैक साइड में जो प्लेटें डालेंगे तो इससे क्या हो जाता है, आपकी ब्लाउज कुर्ती की फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन वो क्या हो जाता है, कभी कभी जैसे उनको समझ में नहीं आता है नए सिलने वाले, जैसे यहाँ पे हम सेंटर से लेते हैं और दोनों साइड में ये टक्स पॉइंट जो है वो लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसको मेजरमेंट के साथ आपको ये कुर्ती के टक्स जो है वो लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम जो टक्स लगाते हैं ये दोनों प्लेटें डालते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसका सेंटर निकालना पड़ता है। जैसे हमें कुर्ती का जो सेंटर होता है वो निकालना पड़ता है, तो पहले हमें सेंटर निकालने के बाद ये जो टक्स की लंबाई होती है, ये टक्स की लंबाई होती है ये हमारी कुर्ती के लंबाई के ऊपर डिपेंड रहती है। अभी जैसे यहाँ पे हमारी नॉर्मल कुर्ती की लंबाई है 37 इंच 38 इंच लंबाई होगी, तो आप ऊपर के साइड से जैसे शोल्डर से आपको यहाँ तक 9.5 या 9 इंच तक आपको ये रखना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप 8.5 या 9 इंच रख सकते हैं। नॉर्मल आप 9 इंच पे रखेंगे तो भी चलता है, जैसे 8.5-9 इंच लंबाई कम होगी तो 8.5-9 इंच पे आपको लेना है। उसके बाद लंबाई आपकी ज़्यादा होगी तो आपको इसके टक्स के जो मेजरमेंट है वो आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। इससे क्या हो जाता है, जैसे 40 इंच 45 इंच की होगी तो 9.5-10 इंच तक हमारी ये टक्स पॉइंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल जो है 8.5-9 इंच पे ये टक्स पॉइंट जो है वो लगाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ तो लंबाई के हिसाब से हमें टक्स पॉइंट देने पड़ते हैं, ऊपर के साइड में भी हमें जैसे 9 इंच पे या 9.5 इंच पे आप लेंगे तो भी चलता है, क्योंकि ऊपर टक्स ये जो शोल्डर है शोल्डर में ये 0.5 इंच हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर के साइड से हमें 8.5-9 इंच तक आपको ये लेना है। वह यहाँ से हमें लंबाई कम होगी 35-36-37 इंच होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 8.5-9 इंच आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेंटर से यहाँ 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे टक्स पॉइंट की मार्किंग जो है वो 3.5-3.5 इंच पे आती है, तो यहाँ पे हमारी ये 3.5 इंच पे आई है, तो यहाँ पे हमारी इसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है, तो ये जो लंबाई रहती है टक्स पॉइंट की लंबाई होती है वो कुर्ती के लंबाई के ऊपर डिपेंड रहती है। उसके बाद जब भी हम टक्स लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो मार्किंग किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे आपको 1/4 इंच लेना है। उसके बाद सेंटर में हमें 0.5 इंच लेना है और फिर 1/4 इंच लेके इसको सिलाई जो है वो बाहर के साइड में निकालनी है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड में जो टक्स पॉइंट होते हैं वो लगाने हैं। जैसे इस साइड में हमने लिया तो इस साइड में भी आपको इस तरह से सेम आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने मार्किंग किया और यहाँ पे हमारा दूसरा मार्किंग आना चाहिए, यहाँ पे मार्किंग किया तो इस साइड में भी हमारा दूसरा मार्किंग आना चाहिए, तो दोनों जो प्लेटें होती है वो सेम आनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपकी जो ड्रेस की फिटिंग होती है वो भी सेम मतलब अच्छी आती है, और जैसे बैक साइड में भी कमर में फिटिंग जो है वो अच्छी बैठती है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे फ्रंट साइड जो होती है, बैक साइड में हम प्लेटें डालते हैं फ्रंट साइड में नहीं डालते हैं, तो जब भी हम फिटिंग करते हैं तो फ्रंट साइड जो है वो 0.5 इंच आपको बाहर के साइड में निकालनी है। जैसे दोनों साइड से हमें 0.5-0.5 इंच निकालनी है, उसके बाद ये बैक साइड इसके ऊपर रखनी है, फिर आपको ये साइड फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप ये प्लेटें डालोगे तो ये मेजरमेंट के साथ आपको ये प्लेटें डालनी है, तो इस तरीके से डालोगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे हमें मेजरमेंट के साथ बताया है कि कैसे और कितना लेना है, तो आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको बताऊँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।